बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपसे बात शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही अहम है, ज़रा तसल्ली से सुन लें। पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशन है उससे परेशान होकर या अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए या ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए मुल्क से बाहर किसी गैर मुस्लिम मुल्क जैसे अमेरिका, यूरोप या किसी भी दूसरे रीजन में अगर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल यही बातें हो रही हैं और हर शख्स यही बात कर रहा है कि भाई मुल्क छोड़ के चले जाना चाहिए, तो ये बातें आप ही के लिए हैं। पिछले दिनों एक दोस्त ने मुझे कहा कि भाई मेरे पास तो इतने वसाइल हैं कि मैं अमेरिका जा सकता हूं, तो मैं क्यों ना चले जाऊं, यहाँ की तुम पॉलिटिक्स देखो, यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम देखो, यहाँ के निज़ाम को देखो, सभी करप्ट है, तो मेरी तो जान छूटे, मैं यहाँ से चले जाऊं। तो मैंने उससे कहा कि यार तुम किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री में जाकर अपना या अपने बच्चों का दीन तो बचा लोगे, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग आगे अपने बच्चों और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन का दीन बचाने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं। तो ये वबाल क्यों भाई अपने सर लेना चाहते हो? उसने वही जवाब दिया जो आपने अक्सर सुना होगा। सब लोग यही कहते हैं भाई जिसने बिगड़ना है तो बिगड़ेगा, कहीं भी जाएगा बिगड़ सकता है। क्या पाकिस्तान में यूथ बिगड़ नहीं रही है? और ये तो सब तरबियत पर डिपेंड करता है, घर के माहौल पर डिपेंड करता है। हमारे घर का माहौल तो बहुत अच्छा है, बहुत दीनी है, और हमें बाहर का माहौल कोई अफेक्ट नहीं करेगा। और भी तो लोग वहाँ पे रहते हैं, वो भी तो बहुत अच्छे रहते हैं, दीन में भी हैं। सब बातें ठीक हैं, ये आप जो बातें कर रहे हैं, लेकिन दो मिनट तसल्ली से सुन लें, फिर जो फैसला करना हो कर लीजिएगा। शेख अली तंतावी ये एक आलिम गुजरे हैं, उनकी एक पोती जो पिछले 40 साल से अमेरिका में रह रही हैं, वो लिखती हैं कि मुझे एक टास्क मिला। टास्क ये था कि मैं बैरूत की मशहूर फैमिली रमज़ान फैमिली के बारे में मालूमात जमा करूं। ये वहाँ की एक बड़ी रिच फैमिली थी। तो कहती हैं कि मैंने सर्चिंग शुरू की और उनके फैमिली ट्री को देखते हुए और इंटरनेट की मदद से कुछ ही अरसे में कोई तकरीबन 5,000 लोगों का डाटा जमा कर लिया, लेकिन डाटा में मिलने वाली मालूमात जो थी वो बहुत ही भयानक थी। कहती हैं कि मैंने रमज़ान फैमिली के उन अफराद को अलग किया जो मुल्क छोड़कर वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ हिजरत कर चुके थे। अब ज़रा उसके स्टैट्स ज़रा सुने गौर से। उन्होंने लिखा कि जिन अफराद ने 100 साल पहले हिजरत की उनकी 96% नस्ल अब मुसलमान नहीं है, और जिन अफराद ने 80 साल पहले माइग्रेशन किया उनकी 75% औलाद इस्लाम छोड़ चुकी है, और जो 60 साल पहले दारुल कुफर में शिफ्ट हुए उनकी 40% उनके डिसेंडेंट्स ने इस्लाम छोड़ दिया, और जो 40 साल पहले किसी गैर मुस्लिम मुल्क में बसे, वहां जाकर उन्होंने अपना कारोबार किया, शिफ्ट हो गए, उन अफराद के 25% बच्चे यानी पोते पोतियां नवासे नवासियां इस्लाम तर्क कर चुके हैं। फिर वो लिखती हैं कि एक आलिम जो 80 साल पहले एक्वाडोर यानी अमेरिका का मुल्क है, तो वहाँ चले गए और उन्होंने वहाँ जाकर इस पहली मस्जिद बनाई, पहली मस्जिद बनाने वाले, लेकिन अब उनकी औलाद में से कोई भी मुसलमान नहीं है। और ये देखिए वाशिंगटन के तीसरे बड़े रिसर्च सेंटर पीयू की रिपोर्ट जिसमें उन्होंने एडमिट किया है कि जिस मज़हब को लोग सबसे ज़्यादा कबूल कर रहे हैं वो इस्लाम है, और यही बातें हमने सुनी है अक्सर, लेकिन उसके साथ एक दुख और तकलीफ और तशवीश की बात यह भी लिखी है कि हर साल जितने गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे हैं तकरीबन उतनी तादाद में पैदाइशी मुसलमान इस्लाम छोड़ भी रहे हैं, और उन्होंने तकरीबन यह तादाद लिखी है 1 लाख की, यानी 1 लाख इस्लाम कबूल कर रहे हैं और 1 लाख इस्लाम से फारिग हो रहे हैं, इस्लाम छोड़ भी रहे हैं। अमेरिका के कुछ उलमा तो यहां तक बताते हैं कि मुसलमानों की नई नस्ल में से हर 4 में से एक इस्लाम के बारे में या तो शक में मुब्तला है, एग्नोस्टिक बन चुका है, या इस्लाम छोड़कर एथिस्ट बन रहा है। भाई मैंने कोई फतवा नहीं दिया है कि वहाँ जाना ठीक है या नहीं है, मैं तो आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख रहा हूँ, कुछ हकाइक रख रहा हूँ, और सच्ची बात तो यह है कि इन्हें पढ़कर मैं खुद भी बेचैन हो गया था, क्योंकि मुझे अपने ख़ानदान वालों का ख्याल परेशान कर रहा है जो वेस्ट शिफ्ट हो चुके हैं अमेरिका और यूरोप में। इसलिए जो भी फैसला करना है सोच समझ कर कीजिएगा। हाँ एक मिनट, मुझे मालूम है कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो मौलवी आदमी है, इसे दुनिया का कुछ पता वता नहीं है, लोगों का बिला वजह जहन ख़राब करने आ गया। तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि भाई मैं भी बाहर रह चुका हूँ और जानता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ह्यूमन रिसोर्स का बाहर जाना कितना ज़रूरी है।
पिछले दिनों एक रिपोर्ट मैंने देखी थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $145 बिलियन की होम रिमिटेंस की है, यानी इतना पैसा पाकिस्तान भेजा है। और ये जो पैसा भेजा है, ये तमाम जितनी इमदादी कार्रवाइयाँ होती हैं, इमदादी जितने भी आपको फंड्स मिलते हैं IMF से चाहे मिले, उन सब से बहुत ज़्यादा है, बल्कि 5-6 गुना ज़्यादा होगा। आप इन बातों को सिर्फ इसी तरह से देखते हैं, एक और जाविया भी तो है सोचने का, एक और एंगल भी तो है कि अगर सारा टैलेंट पाकिस्तान से ड्रेन कर जाएगा और सारे हाई स्किल्ड और कारामद लोग बाहर चले जाएंगे तो यहाँ के निज़ाम को ठीक कौन करेगा? पाकिस्तान को आपकी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आपको निज़ाम में दाखिल होना पड़ेगा और आपको मईशत में आना होगा, सियासत में आना होगा। और जाहिर है कि कैपिटलिस्ट पावर्स और करप्ट पॉलिटिशियंस ईमानदार लोगों को आसानी से तो आने नहीं देंगे, लेकिन हमें और आपको लीगल राइट के लिए, अपने लीगल हक के लिए दाखिल होना पड़ेगा। इन तमाम बातों को सुनने के बाद आखिर में खुद से ये बड़ा सवाल करें कि मेरे लिए क्या अहम है, इस दुनिया को, वर्ल्डली लाइफ को मैं क्या समझता हूँ, मेरा वर्ल्ड व्यू क्या है। एक मुसलमान दुनिया को इम्तिहान की जगह समझता है और आखिरत को असल जिंदगी मानता है और वो आखिरत के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने की फिक्र करता है, जबकि जो कैपिटलिस्ट होता है, लिबरल है, ला दीन है, दीन को नहीं मानता, उसके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक तो ज़िंदगी सिर्फ दुनिया ही की है, वो मरने के बाद ज़िंदा किए जाने पर और अल्लाह के सामने हिसाब देने पर ईमान नहीं रखता है, इसलिए वो सिर्फ इस दुनिया में अपना लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड करना चाहता है। अब डिसीजन आप खुद ले सकते हैं कि आपके लिए क्या अहम है, मुल्क से बाहर जाकर अपनी नस्लों के ईमान का रिस्क लेना या अपने मुल्क में रहते हुए पाकिस्तान और इस्लाम की तरक्की के लिए किरदार अदा करना। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नियत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।